मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को फाइल कर सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जनरली स्टेट में हाई कोर्ट जो होता है हर राज्य में, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो सामान्यतः जो मेरा वीडियो का विषय है, इसका जवाब यही है कि यदि आपको रेमेडी आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्राप्त है, तो लोअर कोर्ट से, चाहे वो तहसील कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, पहले आप हाई कोर्ट से रेमेडी रिट्स के माध्यम से अवेल करें। जैसे कि मैंने एक अलग से वीडियो रिट्स के संबंध में बताया, जिसमें हैबियस कॉर्पस, सर्शियोराय, मैंडेमस, क्वा वारंटो आदि रिट्स के बारे में बतलाया। अब जहां तक ये प्रश्न है कि क्या आप सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट में जा सकते हैं, तो इसका थ्योरेटिकल उत्तर तो यह है कि आर्टिकल 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एनी जुडिशियल ऑर्डर यू कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन जब इस प्रश्न का मैं आपको प्रैक्टिकली उत्तर देता हूं, तो प्रैक्टिकली आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 में हमेशा एक्सेप्शनल केसेस या अपवाद स्वरूप ही जाना चाहिए। उसका कारण यह है, थ्योरेटिकली यस कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 136 ये कहता है कि आप किसी भी नीचे के न्यायालय से सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो आर्टिकल 136 के तहत कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट रिट पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका ये डिस्क्रिशन का विषय रहता है। ऐसे मामले मुख्य तौर पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ट्रांसफर से संबंधित विषय हो सकता है, चार पांच गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं उनके खिलाफ कोई मामले में पक्षकार हैं, कोई केस आपने लगाया है, रेस्पोंडेंट्स उसमें उनके पते अलग अलग हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप केस ट्रांसफर कराना चाहते हैं, नेशनल कोई इम्पोर्टेंस या राष्ट्रीय हित का कोई मामला जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले ऐसे मामलों में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सामान्यतः यह पूछा जाता है कि आपने अपने हाईकोर्ट की रेमेडी को क्यों अवेल नहीं किया है, आप सीधे उच्चतम न्यायालय क्यों आए। तो ऐसी स्थिति में मेरी यही आपको राय है कि पहले आप हाईकोर्ट की रेमेडी, जो आपके राज्य का माननीय उच्च न्यायालय है, वहां पर रिट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर अनुतोष आपको रेमेडी मिल सकती है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए उसकी रेमेडी, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, तो अगर उपचार वहीं उपलब्ध है तो सीधे वहां जाइए, अन्यथा आपका समय, पैसा, मेंटल हैरेसमेंट भी होगा। अब उदाहरण के तौर पर ओरिजिनल जहां तक ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है, जैसा मैंने आपको बताया कई मामलों में, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप आर्मी में डायरेक्ट मार्शियल कोर्ट में जा सकते हैं। आर्मी के केसेस में भी सीधे सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, फिर उसके बाद उनकी AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, फिर वहां से सेक्शन 30-31 आर्म फोर्स एक्ट के तहत आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो लैंड की है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो डायरेक्ट कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में, मेरी ऐसी राय है कि आप कृपा करके न डालें, एप्रोप्रिएट फोरम में जाएं। एप्रोप्रिएट कोर्ट में जाने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट नहीं गए, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद, कई बार NCLT के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लोग जाते हैं। तो जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उसको वहां सुनवाई होती है, और हाईकोर्ट से इस बारे में आपको लेटर ऑफ अपील करने के लिए लेना पड़ता है। हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट, हाईकोर्ट आपके अपील के लिए लेटर इश्यू करती है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले आपका ड्राफ्टिंग अच्छा हो, पॉइंट्स अच्छे हों, क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व हो, मैटर जैसा मैंने बताया अगर नेशनल इम्पोर्टेंस का है, ट्रांसफर से संबंधित है, एक राज्य से दूसरे राज्य का कोई झगड़ा है, केंद्र और राज्य का झगड़ा है,
तो ऐसी सब परिस्थितियों में आप और या रेस्पोंडेंट के एड्रेस वगैरह अलग अलग हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीधे जा सकते हैं। लेकिन कौशन आपको यही लेना होगा कि सामान्यतः आप अगर रेमेडी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है तो आप पहले वहाँ प्रयास करें, यदि आपको अनुतोष मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है, और प्रॉपर चैनल के बाद आप आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उनका दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो मैंने ये कानूनी जानकारी आपको गाइडेंस के लिए, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट्स हों, एडवोकेट्स हों, उसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने वाले छात्र हों, जजेस हों, सबकी बेसिक जानकारी के लिए या वीडियो जनरल जानकारी के लिए बनाया। कैन यू फाइल ए केस डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट? तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केवल आर्टिकल 136 में मैंने जो परिस्थितियां इस वीडियो में बताई उसी के तहत आपको जाना चाहिए। थियोरेटिकली इसका आंसर यस में है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अपने मत के अनुसार नो कहूँगा, क्योंकि सीधे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दी अपील वैसे हाई कोर्ट है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ आपसे मोस्टली यही पूछा जाएगा कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू क्यों नहीं आए। तो मैंने ये सरल शब्दों में जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला ले जाने के पहले आपको इन बातों की जानकारी विधि की होना चाहिए। देश के हर नागरिक को कानूनी जानकारी होना चाहिए, इसी उद्देश्य से ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ में आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा इस चैनल के माध्यम से देश के आम नागरिकों को, लॉ के स्टूडेंट्स को, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों को, एडवोकेट्स के लिए, आपके जजेस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए कानूनी जानकारी इस चैनल पर प्रतिदिन नए नए वीडियोस के माध्यम से उपयोग करके पढ़कर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आए तो अपने मित्र, दोस्त, परिचित समाज के लोगों को इसे लाइक शेयर करें, चैनल से जुड़े रहिए। आपका कानूनी ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये सामाजिक सेवा के रूप में आपके सभी के हित में, देश के आम नागरिकों के हित में चैनल प्रारंभ किया है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।